हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सरकारी एग्जाम डॉट कॉम। दोस्तों, सरकारी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी की एडवांस मैथ की क्लास में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। कल देखिए, हम लोगों ने एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन लगाया था, ठीक, जब एक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटरल के दो जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे, उन दो नॉन पैरेलल साइड्स पे दो पॉइंट्स ई और एफ होगा, तो ई और एफ को मिलाने वाली एक लाइन होगी जो कि पैरेलल साइड, जो दोनों पैरेलल साइड बचा था उनके पैरेलल होगा, ठीक है। तो उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। जैसा कि एक क्वेश्चन आज फिर आपके सामने लेकर के आया हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। इस डी ई का लेंथ बताना है, ठीक है ना। डी ई का कह रहे हैं दोस्तों, इसका आप कह सकते हैं ई एफ का, किसका, ई एफ का, ई एफ का लेंथ बताना है, राइट, ई एफ का लेंथ बताना है आपको। चलिए बताइए कितना होगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन मैंने कराया था, बस उसी बेसिस पर है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग गोविंद चौरसिया, बाहुबली का आंसर देखिए 77 आ गया। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 77 आंसर बाहुबली का आया हुआ है, आप लोग भी आंसर दीजिए। बफरिंग का प्रॉब्लम है, बैक करके रिस्टार्ट करिए, बफरिंग हो नहीं रहा। वैसे देखिए मैंने बताया था, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, इसी डायग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना है, ठीक। सपोज करिए कि ये ई एफ को ना, ये जो डायगोनल आपने ड्रॉ किया ई एफ को, एम पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहां से दो ट्रेंगल बना, कौन सा आप देख रहे हैं, एक ट्रेंगल ए डी बी ये बना, जिसमें कि ये आपको पता है 125 है। तो अब रेशियो वाला कंसेप्ट आपको याद होगा, जो मैंने बताया था कि भाई इसका दिस बाय दिस मीन्स डी अपॉन डी ए, देखिए डी अपॉन डी ए बराबर होता है किसके, ई एम अपॉन ए बी, ई एम अपॉन ए बी, ये तो होता है ना, ठीक। तो यहां से डी गिवेन है 2 और डी ए गिवेन हो गया, डी ए टोटल कितना हो गया 5, क्योंकि ई ए कितना है 3 है। तो और ई एम हमें नहीं पता है, ई एम हम निकालेंगे, ये है टोटल 125, यहां से हमने कट किया, ये 25 हो गया। तो ई एम का वैल्यू आ गया कितना, 50 सेंटीमीटर, ये हो गया ई एम। ई एम का वैल्यू आपने निकाला 50, मतलब यहां से यहां तक 50। अब हमको यहां से यहां तक निकालना है, तो ये हम आएंगे इस वाले त्रिभुज में। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, किसकी, सी डी बी, ठीक है ना, बी सी डी की बात करें इस वाले त्रिभुज की, तो फिर से वही कंसेप्ट, जो रेशियो इधर है वही रेशियो इधर भी तो होगा, 2:3, ठीक है, 2:3 इधर भी होगा, क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर लगाऊं, तो अब ध्यान दीजिएगा आप मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर 3/5 हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू एम एफ अपॉन क्या, सी डी, राइट। तो ये 3/5 एम एफ हमें पता नहीं है, अपॉन सी डी कितना है, सी डी आपका 45, राइट, इसको आपने काटा, ये हो गया 9, तो एम एफ का वैल्यू आ गया कितना, 27, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर, किसका, ई एफ का वैल्यू आ गया, क्लियर है। 18 गलत आंसर है, 77 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने 3/5 क्यों किया, क्योंकि जब यहां पर ले रहे थे तो वर्टेक्स ये था, और जब हम इस त्रिभुज में जा रहे हैं इस वाले में तो वर्टेक्स ये है, तो बी एफ अपॉन बी सी, बी एफ अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है ना, बी एफ अपॉन बी सी, ठीक। तो ये 3/5 होगा, 3 ए और बी सी टोटल कितना हो गया, 5 हो गया।
इज इक्वल टू एम एफ अपॉन सी डी, राइट। तो एम एफ का ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। 77 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, 80 और जितना भी आंसर आप लोग दे रहे हैं सबका गलत है, 68 गलत आंसर है, ओनली 77 जिनका है वो सही आंसर है, राइट। समझ पाए कि नहीं। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस रही तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये रेशियो लिखेंगे आंसर दे देंगे, राइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जितना कर सकते हैं, देखिए ट्रायंगल पे ही मैं इसलिए करा रहा हूं कि ट्रायंगल से ही क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में, आपके सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में ट्रायंगल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर। देखिए क्वेश्चन ये भी है, एक ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी है जहां पर ये डी है, ये ई है और ये एफ है, राइट। और क्या गिवन है, ए ई इज टू ई डी इज इक्वल टू बी डी इज टू डी सी इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर, थ्री इज टू फोर, राइट। फिर गिवन है ए सी, ए सी गिवन है 370 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड आउट करना है ए एफ, ये ए एफ फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला लेंथ, ठीक है, आपको निकालना ये ए एफ, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। अब बताइए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा काफी अच्छे से मतलब इसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन त्रिभुज लेकर के बनाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तीन सिमिलर त्रिभुज आपको दिखेंगे, उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, फटाफट से बताइए। अब जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, जितना जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट रेशियो लिखे भी कर सकते हैं तो करिए, सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, राइट। बफरिंग का प्रॉब्लम है, बैक करके रिस्टार्ट करिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर आपको बताना है ये ए एफ कितना है। डी ए पांच होगा, यहां पर देखिए डी ए की बात कह रहे हैं तो पांच होगा, मैंने डी ए पूछा ही नहीं यहां पर कि डी ए कितना होगा। फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव बाई टू राजा कुमार उपाध्याय का। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर हम सबसे पहला काम यहाँ पर ट्रायंगल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर मैं ट्रायंगल को सेपरेट करूं तो देखिए एक ट्रायंगल ये बनेगा। आप चीज अब समझने की कोशिश करिएगा, फिर अपना इसी में शॉर्ट ट्रिक जितना छोटा से छोटा मन करे लगाते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले डायग्राम समझने की कोशिश करिए। एक ट्रायंगल मैंने ये अलग किया, बी एफ सी अलग कर सकते हैं आप, बी एफ सी आपने अलग किया, राइट। फिर देखिए मैंने क्या किया, इसी में ये पॉइंट डी था आपका, ये पॉइंट क्या था, डी गिवन था, ये डी यहां कहीं पर था इस ट्रायंगल में, यहां कहीं डी था, राइट। हमने सिर्फ और सिर्फ इतना किया, देखिए इसी में अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल में, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि अगर इस डी पॉइंट से लाइन ए सी पर मैं इस EF के पैरेलल या कह सकते हैं इस BF के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, M, राइट, एक लाइन हमने ड्रॉ किया,
हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम रेशियो वाला कंसेप्ट यहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये क्या हो गया, यही डायग्राम बना आपका, अलग मैंने किया तो ये हो गया बी एफ सी। आप इसमें भी कर सकते थे ठीक, लेकिन अलग से कर लीजिए, नोटबुक बना लीजिए अच्छे से, फिर इसके आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना आप देखते ही आंसर लगाने लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ रेशियो का कंसेप्ट यूज करना है। ये हो गया आपका डी, ये एम, राइट। अब यहां पर क्या क्या गिवन था आपको उसको देखिएगा, और एक ट्रेंगल और बनेगा। एक ट्रेंगल तो आपने इसको अलग कर लिया, राइट, एक ट्रेंगल आपने इसको अलग किया। अब देखिए यही से एक ट्रेंगल में और अलग कर रहा हूं, कौन सा ए, आपको बताना है सिर्फ ये ए एफ। तो हम देखिए इधर वाला लेंगे नहीं, हमारा काम सिर्फ इसी से हो जाएगा, ए डी एम, ए डी एम को ही ले लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो एक ट्रेंगल मैंने और अलग किया, ये ए डी एम, राइट। और इसी में आपको दिख रहा है कि ये ई एफ भी है, इसी में क्या है, ई एफ भी है, ए डी एम में ही क्या है, ई एफ है, जो कि इसके पैरेलल है, किसके, डीएम के, ई एफ है जो कि क्या है, पैरेलल है। ये देखिए हमने इसका एफ बी डी बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, मतलब अलग अलग फिगर को हमने कर दिया ठीक। अब देखिए अब आपके पास गिवन क्या क्या था, ए ई इज टू ई डी, ए ई इज टू ई डी, थ्री इज टू फोर, राइट। ई डी का क्या है रेशियो, फोर है। फिर बी डी इज टू डी सी, देखिए बी डी थ्री इज टू फोर, डी सी ये है। और क्या गिवन था, ए सी, ओवरऑल ए सी गिवन है आपको कितना, 370 सेंटीमीटर, ये तो है ना। ये टोटल कितना है दोस्तों, ये टोटल जो है ना ये 370 सेंटीमीटर है। आपसे ए एफ पूछा गया, ये आपसे ए एफ पूछा जा रहा है, राइट। अब आप आंसर बताइए, अब आप आंसर दे सकते क्या, 74 आंसर दे रहे हैं, कई सारे लोग 157 भी दे रहे हैं। देखिए अब मैंने बहुत आपका प्रॉब्लम ने बहुत ज्यादा रिजॉल्व कर दिया है, अब इसके बाद आप आंसर दे सकते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया, अब छोटा सा काम रह गया सिर्फ, अब आप आंसर दीजिए। आपको पता है कि एक त्रिभुज में अगर ए इज टू ई डी थ्री इज टू फोर है तो भाई ई ए एफ इज टू एम एफ भी थ्री इज टू फोर होगा, ये हमने बताया था ठीक। क्यों, क्योंकि ये ई एफ जो है इसके पैरेलल है, ऐसा होता है, मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज बताया था मैंने, क्लियर है। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज होगा, अगर ये वर्टेक्स है और ये इसके पैरेलल है, तो यहां से देखिए अगर ये 4:3 है तो ये भी 4:3 होगा, इधर से भी ये क्या होगा, 4:3 होगा। ये सारा कुछ हम लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं किसकी सहायता से, ट्रेंगल की प्रॉपर्टीज की सहायता से, सिमिलर ट्रेंगल में। एक 74 आंसर दे रहे हैं, देखिए अभी भी आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है, अभी भी आंसर सही नहीं दे रहे, अब सब कुछ आपके सामने है। अब सब कुछ आपके सामने है, फटाफट से बताइए, 370 कट ही नहीं रहा है परफेक्टली, 370 कटेगा, एकदम परफेक्टली कटेगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कैसे होगा। देखिए नहीं दे पा रहे आप लोग आंसर, ठीक है। अब देखिए अगर अब मैं एसी के टर्म में टोटल एसी कितना, अगर मैं ये निकालना चाहूं टोटल एसी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दो तीन चीजें यहां पर देखना पड़ेगा, एक ए एफ इज टू एम एफ इज टू एम सी, ये तीन चीज, ए एफ इज टू एम एफ इज टू एम सी, ठीक है। तो यहां पर ए एफ आपको दिख रहा है इस वाले में 3, ठीक है, एम एफ दिख रहा है 4, MC भी दिख रहा है 4, राइट, ये भी दिख रहा है। जब आप AC के टर्म में आप इसे लिखेंगे ना, टोटल AC के टर्म में, तो
तो पता है क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आपको पता चला ये 9 हुआ। अब देखिए ये सारा रेशियो में था और हमें रियल वैल्यू गिवेन है 370, तो हम यहां पर क्या मानेंगे, 9x स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है ना, या x भी मान सकते हैं, 9x मान लीजिए, 9x, ये कितना हो गया 16x, ये कितना हो गया 16x। तो यहां से देखिए ये टोटल कितना हुआ, सॉरी यहां पर देखिए 3 हो जाएगा, 1 मिनट, देखिए 3:4:4, राइट। हमको एसी के टर्म में लिखना है सारा कुछ, तो एसी के टर्म में यदि हम लिखते हैं इसे, तो यहां पर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 9, 12 और 16, ठीक, 9, 12 और 16, ये कितना आया 12, 9, 25 और 16, आप देखिए कितना हो गया 16 और 9, 25 और 12, 37 हुआ, ये 37 यूनिट हो गया, 37x भी कह सकते हैं, ये बराबर हो गया 370 के। तो भाई x बराबर हो गया 10, जब x का वैल्यू 10, तो यहां पर AF कितना था, AF टोटल आपका हो गया 9 यूनिट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, AF टोटल कितना हो गया 9 यूनिट, तो ये हुआ आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 सेंटीमीटर AF हो गया। यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि MF कितना होगा, तो ये 12 यूनिट था, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 यूनिट हुआ, राइट। यहां से ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो MC हो गया आपका 160 यूनिट, ठीक है। अब देखिए आप तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 160 और 90 कितना, 250 और 120 370 आ रहा है, ठीक है। देखिए कैसे, इसी में देखिए भाई AF कितना आया, 90 आया, ये 90 सेंटीमीटर है। MF कितना आया, यहां से निकालेंगे तो ये 120 आ रहा है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। और MC जो है ना, MC वाला भी तो लेना होगा आपको, ठीक, तब जाकर के टोटल AC निकलेगा। तो MC कितना आया, ये आया 160 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां पर आप देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो ये 370 के बराबर आ रहा है, क्लियर है, तीनों को ऐड करेंगे 370 के बराबर आएगा, क्लियर हो पाया, समझ गए दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बहुत कुछ नहीं था, इसमें फिगर आपको सेपरेट करने की जरूरत भी नहीं थी, फिगर आपको यहीं पर दिख रहा था, लेकिन आपके समझने के लिए फिगर अलग करना पड़ा, और बाकी काम आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर करना था, जैसे रेशियो का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बताएंगे आपको। चलिए इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, सबसे पहले एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, दो पैरेलल लाइंस ये हो गए, अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस पर दो ट्रायंगल आपस में बने हुए हैं, दो ट्रायंगल आपस में बने हैं, जैसे एक है ये ई और डी, एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन है बी सी, ठीक है, तो यहां पर ई डी पैरेलल है बी सी के, राइट, ई डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो इस केस में यहां पर दो ट्रायंगल बना, इस केस में यहां पर दो ट्रायंगल बना, सपोज के जितना एंगल देखिए, अगर ये अल्फा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी अल्फा होगा, राइट, अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली इतना ही होगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इसको इधर बढ़ाते हैं ऊपर, तो वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग ये भी बीटा होगा और फिर करेस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये देखिए, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, ये इस पॉइंट ओ पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, समझ पाए मैं क्या कर रहा हूं, ये नेक्स्ट टाइप का समझ सकते हैं प्रॉपर्टीज है। जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स जो है कहां पर बने हुए हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच बने हुए हैं, तो दोस्तों यहां पर जो दोनों ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल बनेगा ई ओ डी, ये सिमिलर होगा किसके, बी ओ सी के, राइट, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, क्लियर है, ये समझ पाए।
अच्छा आप लोग देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सर नीचे 3-3-4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब रेशियो का कंसेप्ट यूज करेंगे ना, जैसे यहाँ पर AF अपॉन, देखिए वो चीजें आया कहां से, जब रेशियो का कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसे AF अपॉन MF लेंगे ठीक, या इसकी बात करें देखिए AF अपॉन MF ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टोटल अगर देखा जाए तो देखिए दोनों ट्रेंगल यहां पर AE अपॉन ये किसके ED के बराबर होगा। रेशियो के कंसेप्ट से ही आया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, रेशियो का कंसेप्ट यहां पर यूज हुआ है ठीक है। यहां पर देखिए उल्टा चलेंगे ठीक है, CM अपॉन MF इज इक्वल टू CD अपॉन DB, यहां से ये रेशियो निकालेंगे तब जाकर के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो वो क्रॉस को हमने डायरेक्ट किया है ठीक है। आप एक बार ट्राई करिएगा तो ये समझ पाए आप प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एक और है उसको भी देख लेते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि एक ट्रेंगल यदि एबीसी है, सपोज करिए दो ट्रेंगल्स हमारे पास हैं ठीक, इफ द एरिया ऑफ टू ट्रेंगल्स इज इक्वल, यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, इफ द एरिया ऑफ टू ट्रेंगल्स आर इक्वल, टू ट्रेंगल्स आर इक्वल, अब देखिए दो त्रिभुज का यदि एरिया क्या हो जाए, अच्छा यहां पर आप ट्रेंगल्स, दो ट्रेंगल्स अलग अलग ना कह के आप सिमिलर ट्रेंगल की बात करें, यहां पर आप सिमिलर भी लिख लेंगे। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स, यदि दो समान त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर है, देन गिवन टू ट्रेंगल्स सिमिलर ट्रेंगल्स, तब जो दिया गया दोनों समान त्रिभुज होगा आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट भी होगा ठीक है, वे दोनों के दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे राइट। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे देखिए यदि एक ट्रेंगल एबीसी है, अगर ये सिमिलर है ट्रेंगल पीक्यूआर के, ये यदि क्या है ये दोनों समान है और साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी बराबर है एरिया ऑफ ट्रेंगल पीक्यूआर, तब देन देखिए पहला कंडीशन है कि त्रिभुज क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर के साथ साथ यदि उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में क्या है बराबर है, तब दोनों के दोनों त्रिभुज देन ट्रेंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, मींस दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए सिमिलर के लिए ये साइन लगाते हैं और कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर ठीक है ना, दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांगसम ठीक है ना, सर्वांगसम, सिमिलरिटी का मतलब होता है समान त्रिभुज और कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांगसम ठीक, सर्वांगसम अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, बस यहां पर सिमिलरिटी में एक प्रॉपर्टीज था तो इसलिए बता दिया मैंने ठीक, अभी कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्वांगसमता कैसे चेक करते हैं वो हम बताएंगे। देखिए दो त्रिभुज आपस में, जैसे यहां पर मैंने अगर इस तरीके का एक त्रिभुज ये बनाया और एक त्रिभुज ये बनाया, तो दोस्तों ये त्रिभुज समान है या नहीं है, बस आप मुझे ये बताइए क्या यह दोनों त्रिभुज समान हैं, अभी एनटीपीसी का कोई क्लियर नहीं है डेट, वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है ठीक ना, आप लोग परेशान एकदम ना हो, अपनी तैयारी एकदम अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाइए अच्छे से। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समान है या सर्वांगसम है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, यह दोनों त्रिभुज क्या है सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, फटाफट से बताइए,
इक्वल है, इक्वल त्रिभुज कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों समान है, ठीक है, ये दोनों के दोनों त्रिभुज के सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था जब किसी त्रिभुज के कोई भी दो एंगल आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो तीसरा ऑब्वियसली बराबर होगा, ठीक, तो वह क्या कहलाएगा उस केस में, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा, राइट, सिमिलर कहलाएगा। लेकिन अगर यही कॉन्ग्रुएंट होता तो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन है कि भाई जैसा त्रिभुज ये है सेम वैसा ही त्रिभुज, सेम वैसा ही त्रिभुज अगर ये है, सेम वैसा ही का मतलब कि सेम लेंथ का, अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 90 45 और 45 का होना चाहिए। देखिए ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, ये 45, ये 90, तो ये भी 45 यदि है, तो ये दोनों के दोनों अभी क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, क्योंकि इनके साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भाई एंगल तो आपस में इक्वल होना ही चाहिए, लेकिन जो साइड्स का लेंथ है वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तब जाकर के दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, राइट। अभी कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट करेंगे तब आप उसको अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे, पहले सिमिलरिटी में ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके अगर एक पॉइंट लिखिएगा, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट, एक ट्रायंगल आपका हो गया एबीसी, एबीसी, तो आपको पता है कि ये अगर ट्रायंगल एबीसी है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, एंगल ए का क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया, ठीक है ना, ये इंटीरियर होगा तो ये एक्सटीरियर होगा, और ये एक्सटीरियर किसके बराबर होगा, अगर मैं पूछूं ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के क्या होगा, बराबर होगा, राइट। तो अगर ऐसा है तो इसका एक बाइसेक्टर भी होगा, इसका बाइसेक्टर भी होगा, बताइए इस एक्सटीरियर का एक बाइसेक्टर होगा, इसको मैंने कहा डी, ठीक है। अब आप लिखिए, इफ इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ, हिंदी में भी लिखवाएंगे, पहले आप इंग्लिश में लिख लीजिए, एक्सटर्नल एंगल ए इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट्स बीसी प्रोड्यूस्ड टू डी, देन एबी अपॉन एसी, एबी अपॉन एसी मस्ट बी इक्वल टू बीसी अपॉन बीडी अपॉन, बीडी अपॉन सी डी, राइट। हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, यदि एक त्रिभुज एबीसी में, यदि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का, कोण ए के बाय कोण का अर्धक, ठीक है, कोण ए के बाय कोण का अर्धक, अर्धक का मतलब एक ऐसा लाइन जो इस कोण को आधे आधे पर क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। यदि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए के बाय कोण का अर्धक, ठीक है, बिंदु डी जो कि बीसी को बढ़ाने पर प्राप्त हुआ है, जो कि बीसी को बढ़ाने पर, बीसी को ही तो बढ़ा करके बिंदु डी प्राप्त हुआ है, जो कि बीसी को बढ़ाने पर प्राप्त हुआ है, कॉमा पर मिलता है, तब जब ये बाइसेक्टर जो है ना बिंदु डी पर मिलेगा, तब ये रेशियो आप इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, ओके, इस प्रॉपर्टीज का आप यूज कर सकते हैं, राइट। बी और सी को जब हम बीसी लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे डी तक, तो इस एंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, इस एक्सटर्नल एंगल, एंगल ए जो है ना, एंगल ए तो देखिए ये भी है, लेकिन ये एंगल ए का क्या है, एक्सटर्नल है एंगल, ठीक है, उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो होगा ना, वो बिंदु डी को जिस पॉइंट पर मिलेगा, तो उस केस में हम इस रेशियो को क्या कर सकते हैं, देखिए ए बी अपॉन ए सी,
ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया ए बी अपॉन क्या हुआ ए सी, बराबर हो जाएगा किसके, बी डी अपॉन सी डी, ये बी डी अपॉन सी डी, राइट। तो ये रेशियो हमेशा बराबर होता है, बस इस रिजल्ट को आप याद रखिए, क्वेश्चन इसी रिजल्ट पे लगेंगे, रिजल्ट यदि याद रहा तो क्वेश्चन आप लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। और प्रूफ तो यहां कर पाना संभव नहीं है कि मैं एक एक थ्योरम्स का आपको प्रूफ बताऊं, राइट। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे अभी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके गाइस। तो क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है सिमिलरिटीज पर, उसके बाद ही हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी खत्म हुआ, समझिए आपका ज्योमेट्री का लगभग 70% पार्ट आप खत्म कर चुके हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी यदि आपने पढ़ लिया ट्रेंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, तो वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्वाड्रिलेटरल में बनता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हुआ, फिर उसमें भी हम लोग देखेंगे, किसमें, सर्कल में भी देखेंगे, राइट। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, सो थैंक यू सो मच।